स्टूडेंट्स, हमारी जो पेपर सॉल्यूशन सीरीज है जो हमने अलग अलग स्कूल्स के पेपर सॉल्व करना शुरू की है, आज उसी सीरीज में मैं एक बहुत ही जानी मानी स्कूल का पेपर लेके आया हूं जो कि अहमदाबाद से नहीं है। ये पेपर अहमदाबाद से नहीं है। मैंने आपको कहा था कि मेरे जो कलीग्स, मेरे जो दोस्त अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, हमने उनसे इकट्ठा किए जानकारी, उनसे पेपर मांगे हैं। तो आपका अगर कोई रिलेटिव, दोस्त या पहचान का व्यक्ति रहता हो राजकोट में, तो राजकोट की एक फेमस स्कूल है होली सेंट हाई स्कूल राजकोट, आज उसी का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। मैंने पेपर को वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें से जो हम टॉपिक यूजुअली क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं तो वो मैंने हटा दिए हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है तो वो मैंने हटा दिया है। बाकी जो चीजें हम डिस्कस करते हैं जैसे क्वेश्चन आंसर्स, इडियम्स, ग्रामर पूरा का पूरा, फिगर्स ऑफ स्पीच, वो सब यहाँ पे इंटैक्ट है। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने 6 क्वेश्चन, मैं फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, कई सारे बच्चों को रीडिंग में दिक्कत हो सकती है, सो लेट्स फॉन्ट बड़े कर देते हैं क्वेश्चन आंसर्स के। टॉपिक वाइज बढ़ेंगे, फॉन्ट भी बड़े करेंगे। अब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 6 to 7 सेंटेंसेस ईच। 6 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 6 सवाल हैं और आप ही में से मैं इनके जवाब चाहता हूं। सो आई एम गिविंग यू अ टोटल टाइम ऑफ 7 to 8 मिनट्स टू थिंक अबाउट एन आंसर। आपको इनके आंसर सोचने हैं, अभी लिखने नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट द आंसर्स एंड आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू गाइज ओनली। जिसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए वो लिख दे चैट में डन सर। आपको सिखा चुका हूं बेटा कि अगर आंसर क्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं, की पॉइंट्स बनाओ। अगर ये क्वेश्चन है तो उसके 3 मेन मुद्दे लिखो जिनके ऊपर आप आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे, आपका आंसर डेफिनेटली बनेगा। हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा बेटा, एग्जाम में लिखना है इंग्लिश में है। यहां पे तो आपको एक्सप्रेस करना है कि किन की पॉइंट्स के ऊपर आप अपना आंसर बनाएंगे। जल्दी करिए, 3 मिनट निकल चुके हैं, 3 मिनट बाकी, आज 40 मिनट ही है हमारे पास और मुझे ये एक पेपर कम से कम 40 मिनट में खत्म करवाना है। और ये पेपर यकीन मानिए मुझे बहुत बहुत पसंद आया।
जब मैं इसके क्वेश्चंस के थ्रू कर रहा था, इसके ग्रामर को थ्रू कर रहा, जब मैं इसके ग्रामर को रीड कर रहा था, रियली बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किया पेपर सेटर ने। आज जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे बाय 9 o'clock अपलोड हो जाएगा। और हमारी जो नई सीरीज चल, हाँ बोलो बोलो अशोक सर। हाँ आपने क्या समझाया, वो मैं निकल गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने आप लोगों को टाइम दिया है कि ये क्वेश्चंस देखो और इनके आंसर सोचो, हम विद इन नेक्स्ट 1 मिनट ये आंसर वाले हैं। हमारी लेसन्स फ्रॉम द बुक जो सीरीज चल रही है उसको बहुत बहुत प्यार और अप्रिसिएशन आपका मिल रहा है, थैंक यू। हमारी कोशिश बस यही है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए, कुछ पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाई जाए। एज यू ऑल नो हम 1000 सब्स क्रॉस कर चुके हैं और जैसा मेरा आप सबसे प्रॉमिस था, वी विल नेवर मोनेटाइज आवर चैनल। तो आप अभी भी ब्रेक फ्री लेक्चर्स वहां पे देख सकते हैं, कोई भी मोनेटाइजेशन हम नहीं करने वाले हैं, नेवर एवर। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन देना चाहेगा? हाउ डिड द लोकल पीजन सपोर्ट गांधी? फटाफट हाथ ऊंचा करें जिनको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। सिर्फ 3 की पॉइंट्स बताने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। गगनदीप बोलिए बेटा। सर उन्होंने गांधी जी जो भी कर रहे थे उनकी बात सुनी और उनके साथ खड़े हुए, पहली चीज। दूसरी चीज सर, गांधी जी ने जो भी उनको कहा था कि जो उनके मेन लोगों को कहा था कि अगर ये लोग मुझे पकड़ लेते तो आप मुझे क्या करते वहां से, और सर जो गांधी जी ने उन्हें समझाया था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और जो फार्मर्स की इनकम कम होने वाली थी। दैट्स इट। ओके विशाल, आपने क्या सोचा, कौन से पॉइंट सोचे थे? सर एक ये कि वो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ खड़े रहे। Okay. फिर सेकंड, जब कोर्ट ने गांधी जी को समन भेजा और जब गांधी जी कोर्ट में गए तब सब लोग है ना वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे कि गांधी जी को अगर जेल हुई तो वो भी रेडी हो गए थे जेल में जाने के लिए। एक्चुअली कोर्ट इसी चीज से डर गया था। और फिर गांधी जी ने सब कंट्रोल किया। और थर्ड पॉइंट, सब लोग यूनिटी के साथ खड़े थे उनके साथ। वेरी गुड। तो किसानों ने उनका कहा माना, लॉयर्स ने फर्मली बिलीव किया कि इनके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और कोर्ट वाला इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट था। चलिए तो इसके ऊपर आप अपना आंसर बना सकते हैं। नंबर 2, व्हाट मेक्स चंपारण एपिसोड अ माइलस्टोन इन द फ्रीडम स्ट्रगल? कौन बताना चाहेगा इसके बारे में? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कल उठ के अगर बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो याद करना सिर्फ कि अशोक सर ने ऐसा लेक्चर रखा था हमारा। मैं आपके कई सारे लेक्चर रख सकता हूं जहां पे ग्रामर के सेंटेंसेस आपको दे दूं, आप बैठ के करो, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अलग अलग टीचर्स क्या सोचते हैं, उनकी साइकी क्या है, उसे समझना। हाँ विशाल बोलो बेटा। सर पहला तो ये कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था, फिर सेकंड पॉइंट के फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स हारे थे यानी वापिस हुए थे। वेरी गुड। पहली बार इंडियंस को यकीन आया कि इन अंग्रेजों को भी अपने फैसले वापस लेने पे मजबूर किया जा सकता है। वेरी गुड। और थर्ड पॉइंट, गांधी जी ने ये मूवमेंट से सबके अंदर से फियर निकाल दिया था। बढ़िया। इस मूवमेंट के थ्रू गांधी जी ने सबके अंदर से जो डर था अंग्रेजों के प्रति उसको खत्म किया। वेरी गुड। चलिए वो बोलो। ब्रिटिश के एग्जिट का फर्स्ट स्टेप था वो। बिल्कुल, ये वो इंसिडेंट था जिसने ट्रिगर किया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम व्हेन फ्रेंड्स एंटर्ड इन इट? क्लासरूम का माहौल कैसा था, कौन बताना चाहेगा? गाइस सबको पार्टिसिपेट करना है, मैं सिर्फ विशाल से बात करने के लिए ऑनलाइन नहीं आया हूँ आज।
फिर मैं वन बाय वन आपके नाम लेना शुरू करूं तो आप ही बोलोगे सर ऐसा मत करो। हाँ कुंजल बोलो बेटा। सर जब फ्रेंड्स क्लासरूम में एंटर हुआ तब पूरा क्लास साथ बैठा था और उसकी जो लास्ट बेंचेस थी क्लास की वो सब भरी हुई थी, जो ओल्ड पीपल और पोस्ट मास्टर से वो बैठे हुए थे। उसके सर उसको डांटे नहीं लेट आने के लिए, पर उसको बोला कि तू अपनी सीट ले ले क्योंकि वो उनको पढ़ाने में ध्यान था क्योंकि उनकी लास्ट डे था फ्रेंच पढ़ने के लिए, इसलिए वो उनको डांटा नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इसमें की पॉइंट्स क्या है आपने जो बताई वो सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो वो एक्सपेक्ट करके पहुंचा था कि मैं लेट पहुंचूंगा सब मुझे डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लासरूम एकदम शांत थी, टीचर ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था, आओ और अपनी जगह लो। उसने देखा कि गांव के बूढ़े लोग पोस्ट मास्टर और बाकी सारे लोग वहीं पे बैठे हुए थे, सब लोग शांति से पढ़ रहे थे और इसे रियलाइज हुआ कि ये आखिरी दिन है जब फ्रेंच लेसन पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। Justify the title Lost Spring. कौन बोलना चाहेगा इसके बारे में? सर मुझे आंसर समझना है Lost Spring वाला। हाँ बेटा, लेकिन किसी और को अगर आंसर पता हो तो वो बताए तो सही ना हमें। ओके सर। जब कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। एक मिनट का समय तो देना पड़ेगा ना बेटा, शायद हम में से कोई बैठा हो, क्योंकि सी एग्जाम में तो मैं आने वाला नहीं ना। एग्जाम में तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर आप ही को लिखना है। भाई कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ देखो विशाल ने हाथ ऊंचा किया है, बोलो विशाल। सर इसमें दो स्टोरी, अलग अलग स्टोरी के बारे में बताया, एक अरे यार पुअर उसका नाम क्या था, साहिब आलम। हाँ एक साहिब आलम और वो एक फिरोजाबाद का वो था मुकेश नेम भूल। हाँ वो दो जन के बारे में बताया, वो कैसे पॉवर्टी में फंस गए, फिर मुकेश के बारे में ऐसा बताया कि वो उसका ड्रीम अलग है कुछ उनकी फैमिली से, और बस सर इतना ही बताया अभी तो। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, ये चीजें सीखनी जरूरी है, जस्टिफाई द टाइटल टाइम ऑफ क्वेश्चंस मिले तो करना क्या चाहिए। कोर थीम पे हमला करो हमेशा। कोर थीम क्या है? आपका चाइल्डहुड कैसा था बेटा? आपका चाइल्डहुड खूबसूरत था, आपको सारी फैसिलिटीज मिली, आप स्कूल गए, आप ऑटोज में स्कूल की तरफ गए, वैन में स्कूल की तरफ गए, आप खेले कूदे बिना टेंशन के जिए। इसीलिए आज भी इस परिस्थिति में भी आप सबसे अगर पूछा जाए कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा था, तो आप बताओगे कि हमारा चाइल्डहुड जो था, टीनेज नहीं चाइल्डहुड, जब 5-6-7 साल के थे, वो जिंदगी का बेस्ट टाइम था। कोई टेंशन नहीं, कुछ चिंता नहीं। उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को सीखना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, यहाँ पे दो बच्चे बताए गए हैं, एक कचरा चुनता है, दूसरा गैरेज में काम कर रहा है। इसीलिए टाइटल दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वो बचपन जो चुरा लिया गया। देश में आजादी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, जब तक गरीब बच्चे चाय की टपरी पे या रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कोर थीम पे ही लिखा करें बेटा। सबको समझ में आई मेरी बात? अगर बात समझ में आई हो तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज। वेरी गुड बेटा, आई कैन सी मोर देन 20 हैंड्स रेज, दैट्स रियली नाइस। बाकी लोगों को सुस्ती चढ़ी है, जब उनका मन करे तो हाथ ऊंचा कर ले वो लोग भी। कुछ लोग यहाँ पे शो अटेंड करने आते हैं, मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज पेडलर्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, बताइए। कौन बताना चाहेगा? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। प्रज्वल बेटा बोलो। अनुज बोल बेटा। यस सर। सर इसमें पहला पॉइंट ये है कि वो एक वर्ल्ड को रेड ट्रैप की तरह देखता था, जिसमें मनी हैप्पीनेस और वो सब बेट की तरह होते हैं। बिल्कुल। और वो लोगों को
टेम्प्ट करते हैं कि तुम आओ और उस वो ले लो और तुम रेड ट्रैप में बंद हो जाओगे। परफेक्ट। उसको लगता था कि ये पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। हाँ बोलो बोलो अनुज, बोलो 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 बेटा बोलो। हाँ, और वो खुद यानी चोरी कर रहा था तो उसको लगा कि हाँ मैं भी एक रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, और वो जंगल में जब फंसा तो उसको लगा कि ये भी एक रेड ट्रैप ही है। परफेक्ट। दो बार ऐसा हुआ, वो जब पूरी दुनिया को गाली देता था कि पूरी दुनिया को ये लालच है और उसके चक्कर में दुनिया फंस जाती है, 30 crowns के चक्कर के लालच में आके ये खुद जंगल में फंस गया। तो कहानी का ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ध्रुव का क्वेश्चन है, ध्रुव पटेल का, कि सर एक बार फिर से जस्टिफाई वाला आंसर बताइए कैसे लिखें। ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से। जस्टिफाई द टाइटल वाला क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको टाइटल के बारे में बात करनी है। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड सेज अ लॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर कंट्री। और यहां से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं कि इस देश में एक भयानक डिस्पैरिटी है, एक भयानक आप कह सकते हो डिफरेंस है, जहां पे एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं, जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरी तरफ इतने गरीब बच्चे भी हैं जो दो वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे, उनको स्कूल नहीं जाने को मिलता, उनकी जिंदगी बहुत तकलीफों से भरी हुई है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, डेथ इज पीसफुल, व्हाई डिड द ऑथर फील सो। अब आप में से कईयों को तो पता ही नहीं चला ये क्वेश्चन है कौन से यूनिट का। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कौन से यूनिट का है? हाँ विशाल बोलो बेटा। सर डीप वाटर का। डीप वाटर का क्वेश्चन है। जब ऑथर को पानी में फेंक दिया गया, जब वो डूबने लगा तो उसका मौत से सामना होता है। जब उसकी उम्मीद टूट गई कि मैं जंप मार के ऊपर नहीं आ सकता हूं, वो डिसाइड हो गया उसको, उसने हर कोशिश कर ली ऊपर आने की, लेकिन जब नाकाम हो गया तो उसने सोचा यार ये जिंदगी खत्म तो हो ही रही है, शांति सुकून पीस, और उसने मौत को लिटरली एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये होगा इसका आइडियल आंसर। चलिए अब पोएट्री के अंदर, हाँ फिगर्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस। यस तो बाद में वो तो फियर को ओवरकम कर लेता है, तो सर ये कैसे क्वेश्चन? मतलब बेटा फियर को ओवरकम तो बाद में किया ना, लेकिन जब वो उस वक्त डूब रहा था पहली बार। सर चाइल्डहुड? चाइल्डहुड नहीं भाई साहब, YMCA क्लब। Yes, वो याद आ गया, बट तो उसी टाइम बाद में उसने कोच की बात याद आई। मेरी बात सुनो बेटा, मैं अगेन क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे ना तब तक फंडे को नहीं समझोगे। मेरा फंडा समझो, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा है। ये फ्रेज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट डेथ इज पीसफुल। आप बच गए वो अलग सिनेरियो था, लेकिन उस मोमेंट के लिए उसने हार मान ली थी कि मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और उसने उस वक्त उस पीले पीले पानी में अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था राजा। ओके यस सर। हाँ चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 फिगर्स ऑफ स्पीच। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन बताएगा? मीत बोलो बेटा। एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स, ऊपर से नीचे आ रही है गाड़ी।
नेक्स्ट है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलो? अनुज बोलो बेटा। सर हाइपरबली। हाइपरबली, फेंकने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, विशाल बोलो बेटा। सर बॉम्बे मेटोनिमी। मेटोनिमी कैसे समझाओ? सर अंकल्स वेडिंग एंड उसके लिए थोड़ी वेट होता है। वेरी गुड, मेटाफोर नहीं मेटोनिमी, वेरी गुड। नेक्स्ट है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच मीत बोलो। लिटोच, नेगेशन का इस्तेमाल हुआ लिटोच, बढ़िया। चलिए सर लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना बेटा। लास्ट वाले में नॉट का इस्तेमाल हुआ है ना, नेगेशन आया लिटोच हुआ सीधा सीधा। ओके अब पोएट्री का क्वेश्चन देख लो। व्हाई मनी इज नेवर फाउंड इन विलेजेस, कौन सी पोएम का है कोई बता सकता है? रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का है, वेरी गुड। क्या लिखेगा कोई? व्हाई मनी इज नेवर फाउंड इन विलेजेस, क्योंकि लोग सब जो गांव से पैसा कमा के शहरों में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं स्पेंडिंग करते हैं, गांव की तरफ पैसा आता नहीं है, गांव के लोगों को सामान बेचना है कोई खरीदने वाला नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does Pablo Neruda urge us to do self-introspection? Keeping quiet का है, बोलो। ध्वनि क्या होगा इसका आंसर? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो? Yes sir. इसका आंसर क्या लिखोगे राजा? सर ये पोएम में अपने सैडनेस पीपल के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की। बहुत अच्छे। इस दुनिया में हम सिर्फ आगे चले जा रहे हैं, ये सोच नहीं रहे कि हमारे एक्शंस क्या कर रहे हैं, हमारी जीवन में क्या हो रहा है। अगर हम कुछ पल के लिए ठहर जाएंगे तो युद्ध रुक सकते हैं, झगड़े खत्म हो सकते हैं, कई सारी समस्याओं के हल मिल सकते हैं। हाँ विशाल बोलो बेटा। सर वही बोल रहा था कि इंट्रोस्पेक्शन से वो समझाना चाहते हैं कि तुम इंट्रोस्पेक्ट मेडिटेट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम सराउंडिंग को कैसे हार्म कर रहे हो, फिर सब एक साथ रहना सीखेंगे। एक्सीलेंट। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोएटेस हाइड हर फियर एंड पेन, हाउ डिड, कैसे छुपाया? माय मदर एट 66 का क्वेश्चन है बेटा। जूलिया क्या होगा इसका आंसर? Julia is not responding. Maybe she is having trouble with mic. Gagan, आप बोलो। तो उसने decide किया कि रोएंगी नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो दोबारा मिले, और सर बाद में वो जब जा रही थी तब वो उस मदर के फोरहेड पर किस करके चली गई। उसने smile and smile and smile again लिखा है बेटा, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो उसने अपनी मुस्कुराहट से अपनी माँ के सामने अपना जो उसका डर था कि माँ को कुछ हो न जाए वो छुपा लिया। एक पल के लिए जो उस जब उसको लगा था कि उसकी माँ मर चुकी है, और सडनली उसको रियलाइज हुआ कि जिंदगी का चक्र है, एक न एक दिन इस माँ को जाना ही है। हम सबको पता है कि इस दुनिया में से हर एक दिन एक दिन कोई चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम खोने से डरते हैं ना, बस वैसी बात है। नेक्स्ट है सर, उसने फिर खुद को एश्योरेंस दिया कि वो दूसरी बार जब आएगी बार पक्का मिलेगी तब उसकी माँ। व्हाट इज द सेंट्रल लाइट ऑफ द पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, गाइस ये सेशन जब खत्म हो तो रीजॉइन करना है, चले नहीं जाना है, याद रहे आज पूरा पेपर खत्म करना है हमको। गाइस
Guys, I'm asking the question. What is the central idea of the poem, A Thing of Beauty? कोई बताएगा? क्या कहा है पोएट ने थिंग ऑफ ब्यूटी में? बताओ तो. हाँ विशाल बोलो. सर आज सब लोग है ना अलग अलग मुसीबतों से सराउंडेड है, जैसे कि एक दूसरे को हेट करते हैं, फिर ग्रीडी हो गए सब. बट जब वो लोग ये ब्यूटी अपने सराउंडिंग के बारे में सोचते हैं तो उनको एक जॉय सा फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है. फिर ट्रीज के बारे में बोला है कि ट्रीज बोयर है, उसके नीचे अपने आराम करके अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख सकते हैं जो अपने को हैप्पीनेस लाए, हेल्थ हेल्थ अच्छी करे. आप में से चार बच्चों का मैसेज आया है मुझे आज के लेक्चर में भी और उसके पहले भी कि सर थिंग ऑफ ब्यूटी पोम समझना है. चिंता मत करो, टेक्सचुअल रिवीजन आने वाला है. आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत जल्द हम लोग थिंग ऑफ ब्यूटी का रिवीजन, सिर्फ एक यूनिट का क्यों, पूरे के पूरे टेक्सटबुक का रिवीजन का सेशन करने वाले हैं. लॉन्ग सेशंस विल कम फॉर इट, डोंट वरी. नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड? क्या होगा जब आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी? कौन बताएगा? बोलो बेटा विशाल. सर आंसर नहीं, ऐसा बोला था ये पोयम समझ नहीं थे. चलो एक डाउट आया. हाँ कुंजल बोलो. सर जब आंट जेनिफर डेड हो जाएगी तो उसके जो उसने वेडिंग बैंड में जो रिंग पहनी थी तो उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी, वो सब लो हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेगी. फिर अगर उसके वो जो टाइगर्स थे वो उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी तो वो प्रेंस करेंगे और खुले मैदान में रहेंगे, उनको कोई डर नहीं रहेगा, वो फ्रीली अपने हिसाब से वहां पे रहेंगे, उनको कोई डर नहीं रहेगा. एक्सलेंट आंसर बेटा, रियली नाइस. कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका डर खत्म हो जाएगा, तो वो जो टाइगर्स उसने ड्रॉ किए थे वुल पे, वो अनअफ्रेड बिना डरे घूम पाएंगे. मतलब उसके आत्मा के ऊपर जो कब्जा है, जो जोर है उसके हस्बैंड का, वो खत्म हो जाएगा. विशाल बेटा डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स में जैसे मैंने कहा हम लोग इसका रिविजन लेने वाले हैं. मैं जानता हूँ पोएट्री साइड ऐसी है जो कम से कम आपको एग्जाम से पहले एक बार दो बार सीखनी पड़ेगी, तभी अटेम्प्ट कर पाओगे. हाँ विशाल कुछ पूछना है आपको बेटा? सर उसका बर्डन भी लो जाएगा. हाँ विशाल कुछ पूछना था आपको? नहीं नहीं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से शेक्सपियर इज विकेड? ध्रुव बोलो बेटा. सर वो फिगर्स ऑफ स्पीच का सर एक बार पूरा रिवीजन ले लेना ना. हाँ मेरे बच्चे, पूरा का पूरा ओवरऑल रिवीजन आएगा. आज आपसे उसी के रिगार्डिंग में एक बात करने वाला हूँ. हाँ सर. ओके शेक्सपियर को विकेट क्यों कहा गया है? ये कौन से यूनिट में से है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, याद है? शेक्सपियर को विकेट इसलिए किया कहा है क्योंकि शेक्सपियर ने कभी भी गरीब बच्चों के बारे में, उनकी तकलीफों के बारे में, स्लम चिल्ड्रन के बारे में बात ही नहीं की है. शेक्सपियर की जितनी भी कहानियां आप पढ़ोगे राजाओं की, शाही परिवारों की कहानियां, तो वो समाज का वो भद्दा गंदा चेहरा कभी उसने दिखाया ही नहीं है, समझे बेटा? इसीलिए शेक्सपियर को विकेड कहा गया है. विकेड मतलब दुष्ट. एम आई क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स इडियम्स शुरू करते हैं. हाँ भाई. सर, हाँ बोलो. सर अपसेट और सैड में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. सैड मतलब दुखी, अपसेट मतलब परेशान. दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा. चलो बताओ पहले में क्या आएगा? फ्री टाइम. हमको रिप्लेस करना है ऑड मोमेंट्स को फ्री टाइम से. नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ द रेड ट्रैप सेलर.
was monotonous. कौन बताना जाएगा इसका आंसर? प्लीज रेज योर हैंड. अभिजीत, बोरिंग. यस, वेरी गुड. मोनोटोनस का सही आंसर होगा बोरिंग. नेक्स्ट, ही थॉट दैट ही वाज नहीं अपसेट. नहीं बेटा, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, रोज रोज रिपीट होने वाली चीज जिससे आप परेशान हो जाओ. बोरिंग, बोरिंग. He thought that he was caught in the dangerous snare. तो सबसे पहले तो snare को replace करना है किससे? किसको बोले answer देने के लिए? हेत बेटा क्या answer आएगा? बेटा हेत क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो. आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर विथ हेत्स ऑडियो. गगन आप बताइए आंसर. सर ट्रैप. वेरी गुड, ट्रैप. नेक्स्ट है, The old man was just as generous. अब generous का क्या आएगा यहाँ पे? Kind, humble, happy, ready. Sir, kind. Kind, kind, रुतिक. तू यार बीच में jump मत मारा, रुतिक. कम से कम हाथ तो ऊंचा कर. Sorry sir. Sorry, sorry sir. Okay. Indirect narration का question आप सब लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, because ये आपका लंबा question और करना चाहिए आपको solve. बहुत अच्छा question है. तो ये आप लोग वीडियो में अपलोड करने वाला हूं तो उस टाइम पे लिख लीजिएगा और उसमें से कर लीजिएगा. बहुत गजब का क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व इट. अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड पे. चलो पहला, हाउ एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज, टर्न इन टू असर्टिव. कुंजल बोलो बेटा. Sir D, it was indeed an exciting match. Very good. It was indeed an exciting match. Ye raha iska correct answer. Next, the shopkeeper has sold some of his cement. Bolo Prem. Sir D. Very good. प्रेम, प्रिया बैठती है साथ में? नहीं बैठती है. अरे भाई दोनों भाई बहन बैठते हो पढ़ने के, सिर्फ एक ही बैठता है? हाँ, कभी प्रिया ने आंसर नहीं दिया भाई, इसीलिए. नेक्स्ट, व्हाई आर यू ट्रीटिंग हिम सो बैडली. बोलो इसका करेक्ट आंसर कौन बताना चाहेगा? विशाल कुंजल, मैं आप लोगों को मौका नहीं दूंगा इसमें, बिकॉज आप लोगों ने बहुत ऑलरेडी आंसर दिए हैं. मैं कुछ नए बच्चों को मौका देना चाहता हूं इसमें, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा बेटा. मीका बोल बेटा क्या आएगा आंसर? सर ए. ना, देखो क्वेश्चन में आईएनजी तो आंसर में बींग आएगा ही आएगा. हर सवाल का जवाब उसी सवाल में क्या छुपा होता है? छुपा होता है. क्वेश्चन को देखो, आंसर पक्का मिलेगा. नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीट फेथ इन योर लाइज. रिया बेटा बोलो. सर ऑप्शन बी, हैवंट आई. अरे मार खा गया ना यहीं पे. ये ट्रिकी क्वेश्चन था, डोंट आई. अब बताता हूं क्यों, ध्यान से सुन लेना. जब हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो ना, यहां पे अगर कंप्लीटेड होता ना तो हैवंट आई ही आता. मैंने
सीरियसली ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया मुझे, हेड्स ऑफ टू दैट टीचर, को उस टीचर ने आपको ठगा। यहां पे जो हैव का इस्तेमाल है वो पोजेशन के लिए है, जैसे आई हैव अ कार तो उसका होता है डोंट आई, हैवंट आई नहीं होता, समझे बेटा? समझ में आया बेटा रिया? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में भी जो आपको ट्रिक करेंगे। मैंने जब बोला ना कि आप मुझे पेपर बहुत पसंद आया, तो सीरियसली पेपर बहुत अच्छा बनाया गया है। द पीजेंट्स कांट अफोर्ड द फीस एज हाई एज यू आर चार्जिंग। अब इसको क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आए कि यार ये तो डिग्री का क्वेश्चन है, लेको पूछो, देखो क्या किया है उसने, पूछा क्या है, मेक इट अफर्मेटिव। हैं तो क्या होगा आंसर, कौन बताएगा, जल्दी करो। ऋतिक बोलो। सर आई थिंक बी। ना, ऑप्शन है सी। सी सी आएगा, सी करेक्ट आंसर है। 48, it seems a nice idea for a tribute. कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? मीत बोलो बेटा। ना, देखो डस के साथ सीम्स कैसे आएगा, बी। बेटा पेपर में ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ग्रामर में तुमको छेतर डालेंगे ये लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ही आंसर बना पाओगे बेटा। 49, वी मे नॉट गेट टू विजिट दिस प्लेस एज अर्ली एज देम। इसका आंसर कौन देना चाहेगा? 49 बोलो अभिजीत। ए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, एक सेकंड ना बेटा, स्क्रीन शेयरिंग वापस शुरू कर रहा हूं। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चल विशाल बता बता भाई। डॉग, डी डी डी, यू शुड शो देम द डॉक्यूमेंट्स। अब आइए बेटा इसका राइटिंग स्किल्स का सेक्शन भी मुझे बहुत पसंद आया। देखिए पहला क्वेश्चन, इन रीसेंट इयर्स डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैज बिकम अ बर्निंग इशू, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, औरतों के अधिकार, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग जरूर लिखिए इसके ऊपर, और जो लिख के मेरे पास भेजेंगे चेक करने के लिए, मैं समय के मुताबिक उनको चेक करके बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, अमृता ट्रेडर्स रिक्वायर्स अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। ये आप इजीली बना सकते हो, दैट आई एम अश्योर। उसके बाद डेटा एनालिसिस का टॉपिक भी इजी है। The following graph shows the main reasons for climate change. Give your observation about it. पर्यावरण में हो रहे बदलाव के बारे में है। पाई चार्ट है, ऐसा सिमिलर पाई चार्ट हम ऑयल कंजम्पशन का कर चुके हैं ना बेटा, पहला पहला। Yes sir. हाँ, तो सिमिलर है। इनपुट वाला भी। हाँ, तो सिमिलर चार्ट हमने किए हुए, यू कैन डू ऑन योर ओन। साफ सफाई नहीं है उसके बारे में, किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसा सिमिलर टॉपिक हमने किया हुआ है, कोई बता सकता है कौन सा? Yes, sir. कौन सा? Sir. सर तीन टॉपिक आपने दिए थे एक साथ करने के लिए। अरे ये वो है, अरे ये तो क्लासरूम में मैंने करवाया था पहला पहला, नॉन कलेक्शन ऑफ गार्बेज। यस सर। म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना था, उसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया।
नॉन कलेक्शन ऑफ गार्बेज हुआ ना सीरियसली कोई बच्चा लिखे ना तो दिल करे पढ़ने का राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट करियर आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मेल लिखो करियर काउंसलिंग करो मेरी. स्कूल के बाद मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए उसके बारे में हेल्प करिए. बहुत अच्छा टॉपिक है ये. वीडियो में से आप लोग टॉपिक ले लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी. योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन द टॉपिक ऑफ करियर्स इन कॉमर्स. एज द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ रिपोर्ट. ये कर सकते हो आप लोग इजीली. नेक्स्ट है अमृता हाई स्कूल इज लुकिंग फॉर अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर. क्या क्वालिफिकेशन होगी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की कोई बताएगा मुझे. So at least graduation. Graduation आएगी, SSC, HSC, BCom, even MCom या MA लिखोगे तो भी चलेगा. Next है write an essay in about 250 words on any of the following topics. Science, a curse or blessing? और दूसरा the role of women today. I think topics easy है, आराम से किए जा सकते हैं. Option वाला topic बहुत अच्छा है. Draft a speech on the topic of on the occasion of farewell party given by your juniors to your class. आपकी क्लास को फेयरवेल पार्टी मिली. नसीब इतने खराब है तुम्हारे, न तुमने किसी को फेयरवेल दिया न तुमको कोई फेयरवेल दे पाएगा. लास्ट ईयर तुम लोग किसी को फेयरवेल नहीं दे पाए, इस बार तुमको कोई फेयरवेल नहीं दे पाएगा. सीरियसली यार आई फील बैड फॉर यू. फेयरवेल पार्टी एक बहुत ही चेरिस्ड मोमेंट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ का, तो उसके बारे में स्पीच लिखनी है. So, this sums... हाँ बेटा बोलो. Sir, last topic speech है, उसके key points बताइए ना. भाई farewell party के time पे as a student आपको लिखना होता है कि मैं जब school के अंदर आया था तो मेरा पहला दिन कैसा था, मेरे पहले दोस्त कौन थे, किन किन टीचर से मुझे प्यार मिला, लगाव हुआ, आज स्कूल से लगाव हो गया था, अब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत दुख होगा, मेमोरीज से भरे हुए हैं, यादें हैं, जूनियर्स का थैंक यू करना है कि आपने हमको ये फेयरवेल दिया है. आई थिंक दैट सम्स इट अप. ठीक है बेटा. यस सर. तो यहां पर आपका ये पूरा पेपर हो जाता है खत्म. स्टूडेंट्स आज ही की तरह ऑलमोस्ट एक घंटे का लेक्चर आपका आज भी हुआ है. आज ही की तरह आने वाले हफ्ते भी एक और प्रतिष्ठित स्कूल का पेपर, एक और रेप्यूटेड स्कूल का पेपर लेके मैं आप सबसे मिलूंगा. हम ऐसे ही पेपर्स की सीरीज को सॉल्व करेंगे और ये हमारे होराइजन को बड़ा करता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रॉड करता है, हमें सिखाता है कि दूसरे स्कूल्स क्या कर रहे हैं. मैं अपने 6 या 10 पेपर आपको बना दूं उसमें आपको वही की वही झलक दिखेगी, यार ये तो अशोक सर का पेपर है. लेकिन जैसे इस पेपर को आपने देखा कि क्वेश्चंस डिफरेंट थे, ग्रामर डिफरेंट था, तो ऐसी मजेदार पेपर्स के साथ आने वाले हफ्ते में हम फिर मिलेंगे. आप सबसे बहुत बहुत प्यार. अपनी ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें. टाइम बहुत खराब है बेटा, जरूरत के बिना बाहर ना जाएं. वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, आप वहां पे देखें. आपके मोटिवेशन के लिए लेसन्स फ्रॉम द बुक सीरीज शुरू है. हर 2 दिन में मैं एक बुक रिव्यू ऐड कर रहा हूं वहां पे, उन्हें सुनिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी बेटा. उम्मीद है आपने आज बहुत अच्छे से सीखा होगा. इसी वीडियो की लिंक भी YouTube पे आपको मिल जाएगी. तो बने रहे, डटे रहे, जुड़े रहे, निराश मत होना, अपसेट मत होना, उदास मत होना. समय कठिन है, राह कठिन है, डगर कठिन है, लेकिन हम पूरी कोशिश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होकर बाहर निकलेंगे. Thank you so much for joining students. God bless all. Bye for now.